रोज है समाज में। मैं चूंकि भारतीय समाज का प्रतिनिधि हूँ, महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, इसलिए आपको मेरा नाम दुर्गेश वास्ते है, मैं वास्ते मेला महासभा की महामंत्री हूँ। इस प्रेस वार्ता में शामिल होने का उद्देश्य और जनता तक आप क्या मैसेज रखना देना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे अलीगढ़ में सबसे ज्यादा वास्ते समाज है, गढ़ माना जाता है अलीगढ़ वास्ते समाज का, हमारे वास्ते समाज का अपमान है। अगर वास्ते समाज टिकट मांगता है अलीगढ़ से ना मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? ये अपमान है हमारे समाज का, सबसे ज्यादा वास्ते अलीगढ़ में ही है। नहीं, वासने के पहले भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और उसके बाद बारी बारी सभी को नंबर दिया जा सकता है, तो इसमें ये क्या मतलब जिद हो गई एक तरीके की? नहीं, वासने को ही दिया जाए, ये जिद किस तरीके की ये समझ में नहीं आया। जनता से आप इस जिद को किस तरह मतलब क्लियर करना चाहेंगे कि हमारी जिद है कि हमें वासने को ही देना है? और स्थानों में होना चाहिए ऐसा? नहीं, जिद अलीगढ़ में क्यों होना चाहिए? अलीगढ़ में नहीं, और भी जगह दिया गया भाई, इतने वास्ते समाज कहीं किसी जगह नहीं है अलीगढ़ के अलावा। तो अब आप जनता से क्या कहना चाहती हैं? जनता तक आपका क्या संदेश दिया जाए, क्या आप जनता के द्वारा कहना चाहते हैं? हमारे वास्ते समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है, अब आप भाजपा को अब भी रहेगा, लेकिन हमारा विरोध तो होना चाहिए। कर रहे हैं विरोध मैडम, किस बात का? देखो, अब भी रहेगा या नहीं रहेगा ये भविष्य के कर्तव्य है। हम अपनी बैठक करेंगे समाज की पूरी, और समाज की बैठक में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, हमको क्या करना है, भाजपा के साथ रहना है नहीं रहना। अच्छा, ये आप क्लियर करना? बिल्कुल क्लियर करेंगे, हमको सोचना पड़ेगा, सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। तो ये संपूर्ण समाज हम सोचने को मजबूर है, हमारा समाज सोचने को मजबूर है, हमको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। ये केवल वासने महासभा की अपील रहेगी या वासने महासभा के अंदर जो और भी संगठन है? सर्वोच्च संगठन भारतीय महासभा है, पूरे भारत को जो प्रतिनिधित्व करता है भारतीय समाज को, और बाकी जितने संगठन है वो इसी में समाहित है, सब इसी के अंदर में है। ये सर्वोच्च आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है ये महापौर के चुनाव के संबंध में रखी गई है, भारत यानी अखिल भारत वर्षीय बहस भारत यानी महासभा के बैनर तले। मेन उद्देश्य ये है कि चूंकि 5 अप्रैल को प्रेस वार्ता यहीं पर आयोजित की गई थी, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से अपील की थी कि बाढ़ने बाहुल अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश में केवल अलीगढ़ ही ऐसा शहर है जो बाढ़ने बाहुल है, यहाँ 2 लाख से अधिक मतदाता है बाढ़ने समाज के, इसलिए अपील की गई थी कि बाढ़ने समाज के किसी व्यक्ति को महापौर की टिकट दी जाए। लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस बात को नकार दिया, इस कारण पूरे भारतीय समाज में जबरदस्त जो है रोष व्याप्त है, इस रोष को प्रकट करने के लिए ये प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है। तो ये केवल रोष ही रहेगा या विरोध भी करेगा भाजपा समाज? अभी तक तो जो हमारे अंदर रोष व्याप्त है, जबरदस्त रोष व्याप्त है, उसको प्रकट करने के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आगे हम जो है पूरे समाज की एक बेहतर बैठक करेंगे, इसमें पूरा बाढ़ने समाज सम्मिलित होगा और बैठ करके हम विचार विमर्श करेंगे, निर्णय लेंगे कि हमको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी मांग शुरू से रही है, हमारी बाढ़ने समाज के खून में भारतीय राष्ट्र प्रेम बसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना के अनुसार के पथ पर चल रही है। भारतीय समाज चूंकि शुरू से चल रहा है, इसलिए हमेशा भारतीय समाज भाजपा के साथ रहा है, तन मन धन से रहा है साथ भाजपा के साथ। लेकिन दोनों नाव में पैर रख के आप साबित क्या करना? हमारे दूसरी नाव में किसी में पैर है ही नहीं, आप एक तरफ, हमारे किसी नाव में पैर ही नहीं है, हमारा केवल एक नाव में पैर था, भारतीय जनता पार्टी के साथ पैर था। आज हम सोचने को मजबूर है कि हमको क्या करना चाहिए। अब आप जनता को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश, हम जनता में तो रोष व्याप्त है, जनता को संदेश कुछ नहीं देना चाहते, जनता में तो जबरदस्त रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शरीर से नकार दिया, हमारे समाज के बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बचपन से लेकर पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल दी, उनको टिकट नहीं दी, ऊपर से एक टिकट थोप दी गई, ये जबरदस्त रोष व्याप्त है। नहीं, टिकट तो किसी एक ही को मिलनी थी, अब मिलनी बिल्कुल एक को मिलनी थी, बिल्कुल एक को मिलनी थी। अगर किसी शहर में जहाँ भी टिकट दी जाती है वहाँ वोटों के आंकड़े भी देखे जाते हैं, किस समाज के वोट सबसे ज्यादा हैं, उसी समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, कोई भी शहर उठा के लीजिए। तो फिर आपका क्या मानना है, किस वजह से उन्हें टिकट दे दी गई?
नहीं उनको हमें उनकी आपत्ति कुछ नहीं है, किसको दी किसने नहीं दी, हमारे समाज को नहीं दी, हमको जी आपत्ति है। क्या नाम है आपका? मैं नामित पार्षद। किस पद पर है? मैं इस समय बीजेपी में नामित पार्षद भी रश्मि पंकज और अपनी महासभा में सचिव पोस्ट पे हूँ। नामित पार्षद तो खत्म हो गया होगा ना, तो चुनाव अब तो जो नए चुनाव होंगे उसमें नया पार्षद बनेगा, तो अभी नामित पार्षद नहीं है अभी आप? हाँ नहीं, इस समय मैं कुछ नहीं हूँ। अब आप इस बैठक को करने का क्या उद्देश्य है और आप जनता तक अपने क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं? देखिए भाई साहब, हमारे वाशनी समाज हर क्षेत्र में फैले हुए हैं और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा वाशनी है नहीं, 75%। ठीक है, आपने चंदौसी में दी है सीट, नहीं दी। चंदौसी में सीट दी है, वो ब्राह्मण समाज को दी है, हमारे समाज को नहीं दी। और यहाँ पे भी हमारे दो पूनम बजाज और शेखर शराब का बेटा आगे चल रहे थे सुमित शराब, उनको भी आपने नहीं दी। हम लोग जब भी घुसते चलो ठीक है, अब अध्यक्ष भी आप नहीं दोगे, जबकि 3 सीट हमारे लिए तय थी, अध्यक्ष की, मेयर की और विधायक की, आपने हमारी 3 ही सीट छीट दिए जा रहे हैं। हम लोग चुप में तो हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। हमारा समाज बहुत धैर्यवान है, कभी आगे नहीं बोलता। सीट ऐसे मतलब जे 3 सीट पूर्व में महानगर अध्यक्ष भी भारतीय समाज से रहे हैं 10 बार, हमेशा रहा भगवान दास नेताजी रहे, संजीव राजा रहे, है ना, वीरेंद्र कुमार गुप्ता रहे, कृष्ण कुमार नम्बर रहे 3 बार, भाजपा से महानगर अध्यक्ष भी हटा दिया भारतीय समाज से, मतलब मेयर भी रहे, विधायक भी रहे, है ना, तो वो धीरे धीरे करके एक एक करके सारा जो फैसला हाईकमान ने लिया है, भाजपा हाईकमान ने जो फैसला लिया, अब आप इसके साथ सहमत है या नहीं है? नहीं सहमत तो हम वोट इनको प्रशांत जी को देंगे। नहीं मैं वोट देने की बात नहीं कर रहा, मैं वोट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो आपका अपना मताधिकार है, आप किसको दें किसको नहीं दें। अच्छा, मैं वोट से संबंध कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, और ना मैं करूंगा वोट से संबंधित। आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं है? भैया कैसे हो सकते हैं आप बताओ, आप हमारी जगह होते तो क्या? नहीं घुमाने वाला हाँ या ना है या नहीं है? नहीं है। आप इस फैसले से सहमत नहीं है, इसके लिए अब आपकी अग्रणी भूमिका क्या रहेगी? हम आगे जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे अपनी, और मीटिंग में जो हमारी मीटिंग में तय होगा, महासभा हमारी तय करेगी, उसको हम मानेंगे। अच्छा, अभी आप कुछ कहना चाह रही थी कि आपके किस किस लोगों को नहीं दिया है, कौन आगे चल रहा था, वो क्या वजह थी, वो आप बताइए जरा। पता नहीं क्या वजह थी, क्या हमारे समाज पे पैसा नहीं है, हमारा समाज कमजोर नहीं है, पर हमारा समाज बदतमीज नहीं है बस। गद्दार नहीं है। अभी सबने सवाल किया उसके जवाब दीजिए, जो अन्य लोग हैं फिर वो बदतमीज हैं? नहीं बदतमीज का नहीं, अभी आपने कहा गद्दार बदतमीज वो हैं फिर।